क्वेश्चन नंबर सिक्स इजी है बेटा क्वेश्चन को, डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इसे बनाना कि जो क्वाड्रिलेटरल जैसे लगे लालो को इसलिए, तो इंटरसेक्ट इज अदर एट पी, ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, सो दैट एरिया एपीबी, जो देखो कि आप ए पी बी बोल के ट्रायंगल है, सीपीडी सीपीडी ये भी एक ट्रायंगल है, एपीडी ए पी डी ये भी एक ट्रायंगल है, बीपीसी बीपीसी बोल सब एक ही में इंटरसेक्ट किया, और टू टू भी लिख देता हूं, ऑलरेडी लिखा है टू प्रो एरिया एपीबी इंटू एरिया सीपीडी इक्वल्स टू एरिया एपीडी इंटू एरिया बीपीसी गिवेन टू ब्लू। अच्छा तो ये वाला प्रूफ करना है, उसके बाद क्या करते हैं कॉन्स्ट्रक्शन, कॉन्स्ट्रक्शन कॉन्स्ट्रक्शन में ड्रॉ डीएन परपेंडिकुलर टू एसी डीएन और दूसरा BM परपेंडिकुलर टू एसी, दोनों एसी के ऊपर परपेंडिकुलर बना दिए और सारे ट्रायंगल जितने भी चार ट्रायंगल दिए हैं उसी चार ट्रायंगल का हाइट आता है। आज एक बार ट्रायंगल के जो अल्टीट्यूड के बारे में बताता हूं, ट्रायंगल का अल्टीट्यूड देखो, कोई जगह तुमने एक्यूट ट्रायंगल लिया, इसका अल्टीट्यूड तो इधर है ठीक, अभी ऐसे ट्रायंगल बना इसका अल्टीट्यूड किधर है, जैसे ए बी सी ए बाहर, ये वाला इसका अल्टीट्यूड बाहर ठीक है, तो इसका बी सी बेस होगा तो अल्टीट्यूड कौन सा होगा ए डी, इसका ए बी सी तो इस ट्रायंगल का तो ए डी हो जाएगा, जो जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होते हैं उसके हाइट बाहर की तरफ से और जो एक्यूट ट्रायंगल होते हैं उसके अल्टीट्यूड अंदर से होते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मतलब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ए पी बी को, सपोज यू आर टेकिंग ए पी बी, तो ए पी बी ट्रायंगल का अल्टीट्यूड क्या होगा, बी एम होगा, सीपीडी सी पी डी सीपीडी इसका अल्टीट्यूड बी एन होगा, एपीडी एपीडी इसका अल्टीट्यूड भी डी एन होगा, बेस तुम्हारा एपी होगा, और बीपीसी बीपीसी बेस होगा पीसी, अल्टीट्यूड होगा बी एम। अभी देखो आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा, अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं एरिया क्या है प्रूफ, एरिया एपीबी इंटू एरिया सीपीडी इक्वल्स टू एपीबी का था एपीबी, एपीबी का हाफ बेस कौन सा बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ए ए पी बी ए पी बी ए पी होता है, हाइट हाइट क्या हो बेटा ए बी में बी में इंटू सी पी डी का एरिया सी पी डी इसके लिए होगा हाफ पीसी सी पी सी पी डी बोला हाफ पीसी इंटू डी एन मतलब।
दूसरा बार फाइन करो, दूसरे साइड में एरिया यहां पर ऐसे लिख देता हूं 1/4 इंटू एपी इंटू बीएम इंटू पीसी इंटू डी फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके इसके एरिया में दूसरे दोनों के एरिया में एरिया एपीडी इंटू एरिया कौन सा लेटर बीपीसी इसका एरिया जब होगा हा एपीडी कौन सा है ए पी डी एपी इंटू डीएन डीएन और बीपीसी बी पी सी हाफ इंटू बी एम इंटू पी सी यस हाफ इंटू बी सी इंटू बी एम तो 1/2 1/2 1/4 एपी की जगह एपी लिख दिया बीएम को भी लिख देते फिर पीसी को लिख देते फिर डीएम को लिख देते इक्वेशन से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखो ये दोनों का एरिया का प्रोडक्ट क्या है और ये दोनों का एरिया का प्रोडक्ट है ना देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट एरिया एपीबी इंटू एरिया सीपीडी इक्वल एरिया ये दोनों सेम है ना ये दोनों किसी को एरिया एपीडी इंटू एरिया बीपीसी ठीक है एंस प्रूफ लिख लो पसंद है ना कर क्यों नहीं पाया तुम लोग सॉल्व हाँ बेटा बताओ आसान था जो पहले वाला क्वेश्चन था पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल उससे भी आसान था नोट